नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। गांजा तस्करी के संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी इंदौर और कटनी की पुलिस टीम ने 2 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत का 10 क्विंटल गांजा बरामद किया है। खेप ओडिशा से मैहर भेजी गई थी। गिरफ्तार किए गए 2 तस्करों से नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार एनसीबी इंदौर को ओडिशा से गांजा की बड़ी खेप रवाना होने की सूचना मिली थी, जिसकी ट्रैकिंग किए जाने पर गांजा लोड ट्रक बडवारा के रास्ते कटनी जिले की ओर आने का पता चला। एनसीबी की टीम ने निरीक्षक अरविंद शर्मा और बडवारा टीआई अनिल यादव के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदेह के आधार पर पठरा के समीप ढाबे पर खड़े ट्रक नंबर CG-SUNET-AK-2857 की पड़ताल शुरू की। ट्रक के साथ मिले 2 लोगों ने प्याज लोड होने की बात कही, लेकिन जब पुलिस टीम ने ट्रक पर चढ़कर प्याज की बोरियां हटाई तो गांजा का जखीरा मिला। दोनों को हिरासत में लेकर ट्रक बड़वारा थाना ले जाया गया। बोरियों व पैकेटों में बंद गांजे का वजन 10 क्विंटल निकला, जिसका अनुमानित मूल्य 2 करोड़ रुपए से ज्यादा आंका गया है। गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किए गए 2 युवक छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, जिन्होंने रेशमलाल निवासी राजनाथ गांव व इंद्रसेन निवासी जांचगीर चांपा के रूप में पहचान बताई है। आरोपियों से गांजा तस्करी के नेटवर्क के बारे में पूछताछ चल रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि गांजा की खेप मैहर किसके पास भेजी जा रही थी। हम आपको बता दें कि जबलपुर और कटनी गांजा तस्करी का बड़ा रूट है। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा होने के कारण इन दोनों जिलों के ग्रामीण और कच्चे रास्तों का इस्तेमाल तस्करी में किया जाता है। हालांकि पुलिस और दूसरी एजेंसियों नेटवर्क तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इस पूरी कार्रवाई को लेकर कटनी एसपी अभिजीत रंजन ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इंदौर की टीम मुखबिर की सूचना व सर्विलांस के आधार पर वाहन को ट्रैक कर रही थी। कटनी पुलिस के सहयोग से बड़बारा के पठरा में 10 क्विंटल से अधिक गांजा जब्त किया गया है।